तो सियासी बयानबाजी आप सुन रहे हैं जिसमें इजाफा ही हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और रुकेगी भी नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी आगे आने वाले वक्त में चुनाव भी है। चलिए अब आप सभी को अयोध्या लिए चलते हैं, किस तरह की तस्वीर है सुबह सवेरे ये बताएंगे समर्थ श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, ज्यादा से ज्यादा भव्यता भी दिखा दीजिए, कितनी तैयारी है, किस तरह का, मुझे लग रहा है कि आप लता मंगेशकर चौक पर हैं, वीणा पीछे नजर आ रहा है, वीणा चौक पे क्या तस्वीरें और क्या हर्ष लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कितनी तैयारी चल रही है? जीरो कार्बन एमिशन वाली गाड़ियों को अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए लगाया गया है और हम वैसी ही एक गाड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं। गोल्फ कार्ट बहुत देखे गए होंगे लेकिन ये गोल्फ कार्ट कुछ अलग है, काफी ज्यादा स्पेस है, काफी कंफर्टेबल है और मेरे पीछे आप जिस तरह से लता वीणा का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं, हम लता चौक से होते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ किस गाड़ी के बारे में भी बताऊं मैं, काफी स्पेस इस गाड़ी में, श्रद्धालु अगर आएंगे तो उनके पास कम से कम 8 से 9 लोग इस पूरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब अयोध्या के नजारे भी देखते हुए चलिए हम सूर्य स्तंभों से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर और कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरों के जरिए आप दिखाएंगे। यूं तो बहुत ठंड है ठिठुरन है लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं है और यहां सरयू अतिथि गृह से होते हुए आप सूर्य स्तंभों को देखिए, इसी गाड़ी पर बैठकर आप पूरे अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिसके जरिए आप इन इस तरह की गाड़ियों से संपर्क साध सकते हैं और बुकिंग पहले से कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुगमता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप दर्शन तो अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं, हायर्ड टैक्सी में भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह की गाड़ी में जहां पूरा खुला हो ऊपर से और नजारे सबसे बड़ी बात है यहां से आपको साफ दिखते हो, आप सेल्फीज क्लिक करते हुए अपने सफर को आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य स्तंभ आपके रास्ते में पड़ रहे हैं, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पड़ेगा, आगे चलकर आपको मैं दुकानें भी दिखाऊंगा जो एक ही रंग की पुती हुई है और भक्ति लीन इस तरह से देखिए जो श्रद्धालु है वो इतनी ठंड में भी आप देखिए निकल रहे हैं और यहां पर देखिए पेंटिंग्स को किस तरह से बनाया जा रहा है, जितने भी दीवारें बीच में आ रही हैं ये बदलती अयोध्या की एक तस्वीर में दिखाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं और जितने भी यहां पर जो स्पेस छोड़े गए हैं जो दीवार के हैं इन सभी जगहों पर जो है यहां पर तस्वीर बदलती हुई दिख रही है और हम यहां से अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर भी बढ़ेंगे। इसका कितना किराया आप लोग ले रहे हैं वैसे? सर लता चौक से हनुमानगढ़ी जन्मभूमि तक का 10 रुपए है। बड़ी सवारी आपकी? गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है सर जो है और इसको चलाने में भी आराम है और लोग इसमें अधिकतर आराम महसूस कर रहे हैं, जैसे बैटरी रिक्शा से ज्यादा इस पे जो है लोग रोजगार का भी माध्यम आप लोग के लिए बना है। जी जी, रोजगार के लिए भी बड़ा है और सवारी के लिए भी और कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर सूर्य स्तंभ की हम दिखाते हुए चल रहे हैं और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उन दुकानों की ओर भी जहाँ पर कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं एक बार तस्वीरें, यहाँ पर केवल तस्वीरें दिखाइए किस तरह से जय श्री राम और बजरंग बली की गदा और ऊपर जो सूर्य देख रहे हैं, भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे, भास्कर उनके कुल देवता थे और उसी के तर्ज पर यह सूर्य स्तंभों का निर्माण किया गया और कि उस तरह से ही एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि कुछ खूबसूरती से इन गाड़ियों का भी जिक्र किया कि किस तरह से जो है हम अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर चलने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको हम और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन जो रोजगार की बात अभी ड्राइवर साहब ने करी, उन्होंने जिस तरह से बताया कि पहले कम सवारियां बैठाते थे और अब इसके जरिए क्योंकि इसमें जगह ज्यादा है तो इसमें ज्यादा सवारियां वो बिठा पा रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी भी आप देखते चलिए, जो पुलिस है उसकी मुस्तैदी भी यहां पर करी गई है कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम होना है चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस की नजर है और अब आपको वो तस्वीर में दिखाऊंगा। यूं तो हम राम की पैड़ी के इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं और आप तस्वीरें दुकानों की देखिए आशुतोष, किस तरह से दुकानों को एक ही रंग में ढाला गया है, एक ही रंग में पूरे अयोध्या को तब्दील करने की कवायद है। दुकान के जो बोर्ड है ना वो भी आप देखिए, उनमें जो फॉन्ट साइज है जिस तरह से लिखा है वो सब एक ही रंग का है। ये नजारे आपको लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अक्सर देखने को मिले होंगे लेकिन अब ये नजारे यहाँ भी, और ये देखिए सामने की तरफ देखिए किस तरह से रंगोलियां और चित्रण पेंटिंग्स जो हैं अयोध्या की दीवारों पर की जा रही हैं और तमाम मंदिरों पर भगवा ध्वज ऊपर देखते चलिए, लोगों के घरों की छतों पर ध्वज लगे हुए हैं, जो मंदिर के गुंबद हैं उनकी खूबसूरती भी देखते चलिए और जो कमरे नॉन एसी एसी रूम्स के लोगों के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि टूरिस्ट बहुत बढ़ेंगे उसकी भी, और ये जो मंदिरों का जो जीवन उद्धार हो रहा है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूं किस तरह से जीर्णोद्धार हो रहा है। इस तरफ भी हो रहा है,
इस तरफ भी हो रहा है, जिधर भी आपकी नजर जाएगी मंदिरों के जीर्णोद्धार की तस्वीर आपको दिखाता चलूंगा। और जो चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है वो भी यहां से दिखाना जरूरी है। पहले ये दुकानें काफी आगे तक आती थी, लेकिन अब जो चौड़ीकरण की तस्वीर आपको मैं यहाँ कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं, वो चौड़ीकरण भी देखिए, शायद जमीन पर उतर कर हम उतना अच्छे से आपको नहीं दिखा पाते, नहीं समझा पाते, लेकिन इस ई कार्ड के जरिए, ई गोल्फ कार्ड के जरिए हम आपको एक तस्वीर समझाने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चौड़ीकरण का कितना महत्व है। और कल मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है उसमें ये बात साफ करी है कि चौड़ीकरण होगा और अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। और ये एक और मंदिर की तस्वीर, एक और जगह की तस्वीर जिसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और देखिए आप केवल दुकानों के कलर्स देखिए, जो रंग है, जिस तरह से उनकी पुताई हुई है और जो भगवा ध्वज है, और यहाँ पर कलाकारी भी हो रही है। एक मंदिर के शेप का विंडो का रूप दिया जा रहा है, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जगह जगह बोर्ड्स लगे हैं जो योजनाएं सरकार की हैं वो दिखाने के लिए कि उन्होंने क्या कुछ किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब हम आ रहे हैं हनुमान गढ़ी के करीब और वहां के भी नजारे आपको दिखा रहा हूँ। कपड़े भी देखिए, अलग अलग जय श्री राम तरीके की टी शर्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। और ये जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, घना कोहरा है इस वक्त अयोध्या में, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। दुकानों के उनमें देखिए आप सनातन की, ठीक है, समर्थ जुड़े रहिए।